सो फाइनली दोस्तों, आप लोग देखोगे आईटीसी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार कैसा देखने को मिलने वाला है स्टॉक के ऊपर, तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखे हैं। यहाँ पर आपको करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो अब की बार जो टोटल इनकम है वो कैसी है भाई, लगभग 20,724 करोड़ की, और प्रीवियस में क्या थी 19,361 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी भी 20,130 करोड़। तो ईयर टू ईयर आप लोग कंपेयर करोगे एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे, इनकम में ओवरऑल हमें जंप देखने को मिला है, और इसका जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो कैसा है 20,029 करोड़ का। तो चलिए अब देखते हैं इसके एक्सपेंस, यानी जो खर्चे रहे हैं भाई। तो टोटल एक्सपेंसेस कैसे हैं, अब की बार 13,791 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे 12,421, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे भी 13,294 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर कंपेयर करोगे एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो इसके इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़े हैं, बट रिवेन्यू अब की बार फिर एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है भाई। मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया, बट कितना प्रॉफिट है चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ, तो अब की बार जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला भी वो 5,176 करोड़ के, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 5,189 थे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,190 करोड़। एक्सपेंस अब की बार थोड़े हाई हैं इस वजह से। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे फ्लैट रिजल्ट आते हुए नजर आए हैं, हालांकि थोड़े बहुत प्रॉफिट टूटे जरूर है लेकिन ज़्यादा भी नहीं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि EPS 4.08 रुपये, प्रीवियस में 4.11 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4.10। तो ये इसके रिजल्ट्स है भाई, रिजल्ट्स कुल मिलाकर ठीक आए हैं, अभी फ्लैट रिजल्ट्स आए हैं, और इसका जो एस्टिमेटेड रिजल्ट है यानी जो मार्केट से एक्सपेक्ट था उस वो रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। मार्केट के अंदर नोट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, इन्हें आप लोग वीडियो को पोस्ट करके डिटेल में देख लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। रिवेन्यू सेगमेंट है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे, वीडियो को पॉज कर लेना, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू ने कंपनी ने जो ना भी जनरेट किया है, ठीक है, वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक बार देख लेना इसे वीडियो को पॉज करके। और इसके अलावा और तो कोई अनाउंसमेंट है नहीं भी इसके अंदर, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।